الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تمام تعريف هر قسم كبرائي اور كبريائي هر ظاهري و باطني نعمت اور نعمت شكر الله رب العالمين احكم الحاكمين اله العالمين كليه جس الله تبارك وتعالى हम सबको दुनिया में पैदा किया और हमारी जिंदगी की तमाम तर जरूरियात को वो हम तक पहुंचाता है रात आती है दिन रोशन होता है मौसम बदलते हैं हालात बदलते हैं उम्र बदलती है इंसान एक मुद्दत तक इस दुनिया में रहेगा जितना उसके मुकद्दर में है फिर लौट कर उसको अपने रब के पास जाना है वहां हिसाब है किताब है जन्नत है जहन्नम है ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है अल्लाह की तकदीर से ये चीज होती है जो अल्लाह चाहता है वही होता है जो अल्लाह नहीं चाहता वो नहीं होता सुबह अल्लादमाशान व सुबहानल्लाब सुबहानल् सलातलम इसके बाद अल्लाह के आख नबी रहमतमन मोहम्मद की दाते ग्रामी पर के जिन्हों ने रबाल का पैगाम हम उम्मतियों तक पहुंचा दिया पूरा का पूरा हर खैर को बता दिया हर शर से आगाह कर दिया सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह की तरफ से आपने हम तक पहुंचाई वो है अल्लाह की तोहद आसमान की खबरें हमें दी जो उन्होंने मेराज की शब देखी थी जन्नत और जहन्नम और वहां के बारे में बहुत कुछ अमल कैसे किया जाए रब कैसे राजी होता है बता दिया समझा दिया

छब्बीस रमदानमबारक चौदह सौ इकतालीस हिजरी सत्ताईसवीं शब उन्नीस मई दो हजार बीस ईसवी लाइफ मिक्सलार पर रमदानी खसूस दर्स की शक्ल में पेश किया जा रहा है आज के इस खसूसी दर्स में जो मुख्तर कुरानी अहकाम पर मुश्तमिल है आयात में से जो आयत हम आपके सामने लेकर आए हैं वो सूर तोबा की आयत नंबर इक्यावन है फिफ्टी वन अल्लाह तबारक वाले ने अपने नबी सल्लाम को हुक्म दिया कुल कह दीजिए बना मा कतबल्ला हरगज हमको नहीं पहुंचेगी मगर वही चीज जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हुआ मौलाना वो हमारा मौला है फलियवक्म अल्लाह पर ही ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए इसायद का सियाको सबाक यह है कि मुशर्की ने मक्का या कुफार ने यह कहा कि मुसलमानों को मुसीबत आएगी परेशानी लायक होगी दुश्मन इनको मार देंगे वगैरह इस किस्म की बातें करने लगे तो अल्लाह के नबीसलम ने जवाब अल्लाह ताला ने नबी नबीसलम को हुक्म दिया कि आप जवाब में कह दें तुम कहते हो कि हमारी जिंदगी में परेशानी आएंगी मुसीबतें आएंगी शिकस्त होगी नाकामी होगी वगैरह कुल आप कह दीजिए उसी बना माकतबल्ला वही चीज हमें लाहक होगी वही चीज पहुंचेगी हमारे पास या होगी हमारी जिंदगी में माकतबल्ला जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया मऊलाना वो हमारा मौला है अल्लाह पर ही ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए बहुत जबरदस्त आयत है करीमा बहुत बड़ी बात है इसमें और वो है तकदीर के बताया गया इस आयत में दो बातें नंबर एक जो कुछ होता है वो मुकद्दर है मुकद्दर में है लिखा हुआ तो फिर होगा वही जो लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है दूसरी बात अल्लाह पर तवक्कुल ईमान वाले करते हैं ये बात तवक्कुल कि हमने नहीं देखा अपनी तकदीर अल्लाह ने क्या लिखा है लिखा है कहताब अल्लाहलाना अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है क्या लिखा है अल्लाह ने ये हमने नहीं देखा तो हम तवक्कुल करते हैं अपने रब पर दो बड़ी अहम बातें हैं तो तकदीर पर ईमान जैसा कि आप जानते हैं ईमान के छह अरकान में से एक जरूरी रुकन है ईमान के छह अरकान क्या हैं? अल्लाह पर ईमान उसके फरिश्तों पर ईमान उसकी किताबों पर ईमान उसके रसूलों पर ईमान यामत पर ईमान आखिरत पर ईमान छठा तो और आखिरी जो रुकन है उसमें खैर और शर पर ईमान खैर लिखा है खैर होगा शर लिखा है शर होगा फायदा लिखा है फायदा होगा नुकसान लिखा है नुकसान सेहत लिखी है सेहत होगा बीमारी लिखी है बीमारी होगी जिंदगी मौत सब हर चीज लिखी हुई है खैर और शर और दोनों के अस्बाब भी हैं खैर को और शर को तो अल्लाह तबारक वाला की ये तकदीर है ठीक है अल्लाह अल्लाहजल ने आसमान और जमीन की पैदाइश से पचास हजार साल पहले कायनात की तकदीरें लिख दी मखलूक की 2020 में कोरोना आएगा लिखा हुआ था रमजान घरों में ऐसे होगा लिखा हुआ था ईद की नमाज लिखी हुई है जिसकी जहां लिखी हुई पढ़ने वाले भी होंगे या उससे पहले दुनिया से जाने वाले भी हो जाएंगे जो कब्रों में चले जाएंगे सब लिखा हुआ है तो खैर और शर पर ईमान लाना तकदीर में जो खैर है और जो शर है अब जैसे गुना है शर है ये खैर है ठीक है ये सब लिखा हुआ है अल्लाह तबारक तआला का फैसला अल्लाह तबारक तआला जो फैसला करता है वही होता है इसको कहते हैं कदा और कदर अल्लाह का फैसला और उसकी तकदीर अल्लाह ने जो फैसला किया है उसको लिख दिया जो लिखा जो चाहा, फैसला किया चाहा लिखा वही कुछ होने वाला है यहां कबल के हम मरातबल खैर को और आगे तवक्ल को बताएं एक बुनियादी अहम तरीन बात याद रखें कि अल्लाह की जो तकदीर है ठीक है और अल्लाह की अल्लाह की जो अल्लाह का जो हुक्म है अल्लाह का हुक्म अल्लाह का फैसला अल्लाह की तकदीर ये खैर ही खैर है शर् नहीं है शर की नस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की जाएगी याद रखना यह बात मुकदर में खैर शर है होता है अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया ऐसे बोलेंगे यह जुमला नहीं बोलेंगे कि अल्लाह ने शर को पैदा किया यह शर अल्लाह ने चाह नहीं बोलेंगे ऐसे बेअदबी होगी लिखा हुआ सब है जो लिखा तो बोलेंगे क्या फिर सब लिखा हुआ है बोलेंगे खैर शर पर हमारा ईमान है खैर और शर ठीक है जरा इल्मी बात है नुकते की बात है तवज्जो से समात फ़रमाइए खैर और शर सब चीजें लिखी हुई हैं एक बात अल्लाह की तरफ खैर की नस्बत तो की जाएगी शर की नस्बत नहीं होगी क्योंकि महज शर को अल्लाह ने पैदा नहीं किया है यह शर नस्बी बोलते हैं इसको निस्बती है जो मखलूक में शर है वायरस वगैरह जो भी चीजें हैं इंसान ये नस्बी है महज नहीं है पक्का पूरा पूरा का पूरा शर्मी है तो अल्लाह की तरफ शर की निस्बत नहीं की जाएगी वल खैरु मिनक़ा व इलेक अल्लाह खैर तेरी तरफ से है खैर तेरे पास है अल्लाह के नबी की हदीस है आपने दुआओं में फरमाया वह शर इलैक हदीस के अल्फाज सुनिए है। दलील है। शर की नस्बत तेरी तरफ नहीं है अल्लाह कि तू शर कर रहा है नौज बिल्ला ऐसे नहीं बोलेंगे अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया ऐसे बोलेंगे शर की नस्बत अल्लाह की तरफ नहीं होगी क्योंकि शर जो है महज मखलूक नहीं है निस्बी जो शर मखलूक में रखा गया है वो निस्बी है निस्बतन है वो सर उस मखलूक में वो शर तो अल्लाह अज्जो की तरफ नहीं की जाएगी लेकिन अमूम कहा जाएगा कि तमाम चीजें दुनिया में जो हो रही है अल्लाह के हुक्म से हो रही है बिल्कुल सही है आपका जुमला क्योंकि कुरान क्यों की आयतें मौजूद हैं सुर की एक आयत में अल्लाह ने फरमाया कुल कुल्ला कह दीजिए सारी चीजें अल्लाह के पास से हैं ठीक है रमूमियत समझ रहे जनरली तौर पर आप कहें रमूमियत लेकिन खास करके ये कहना शर अल्लाह ने चाह यह हुआ ये शर ये अल्लाह शर चाह रहा है यहां पर नौज बिल्ला यह बेअदबी नहीं बोलेंगे आम बोलेंगे हम आम में सब चीजें आ जाएंगी नबी सलात उसम ने फरमाया दलील क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि रसोस ने मना किया कहा शर तेरी तरफ नहीं है अल्लाह अल्लाह खाल अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है उसमें दोनों चीजें आ गई खैरोकिन खास तौर से नस्बत नहीं की गई अल्लाह की जाने जैसा कि अल्लाह ने जिन्हों के बारे में खबर दी एक आयत में जिन में उन लोगों ने कहा था वह है देखिए सुर जिन में अल्लाह ने जब जिन्हों के बारे में जिन्हों की खबर को जिन्हों के कौल को बयान किया जो उन लोगों ने कहा था अपनी कौम से हमें नहीं पता और कीजिए आयत पर तर्जे पर अन्ना ला नदरी जिन्होंने कहा हमें नहीं मालूम अशरुन उरीदा अराधा नहीं है अराधा उरीदा क्या है ये अरबी में है यानी इरादा किया अल्लाह ने उरीदा इरादा किया गया वो अन्ना लानरी अशरुन उरीदा भी मन फिल अर अम अराधा भीम हम रशादा हमें नहीं पता कि जमीन वालों के लिए शर का इरादा किया गया या अल्लाह ने उनके लिए हिदायत का इरादा किया है इरादा किया है अल्लाह ने जब हिदायत रुश्द हिदायत की बात आ रही तो अराधा अल्लाह ने इरादा किया है यह है अदब एहतराम अल्लाह के साथ कुल एवद बेरबिल फलक मिन शरमा खलक उस शर ऐसे बताया गया ठीक है और कीजिए इसमें मखलूक की तरफ शर की नस्बत की जा रही है खालिक की तरफ नहीं समझ रहे ना देखिए कुल एवद बिरब्बिल फलक कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूं मिन शर मा खलक हर मखलूक के शर से हर उस शर से जो तो उसने पैदा किया तो मखलूक के शर से यहां पर तो मालूम हुआ शर की निस्बत खालक की तरफ नहीं हो रही है आयते पूरे पढ़ के देखिए मखलूक की तरफ जरूर हो रही है क्योंकि वो निस्बतन है वो महज नहीं है शर इसीलिए मखलूक की जानिब शर की इसमें शर है आप बोल सकते हैं ये दवा में शर है ये इंसान में शर है ये जानवर में शर है इस चीज ये वायरस में शर है आप जरूर बोलिए सही अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत नहीं करेंगे खालिक की तरफ फिर कैसे कैसे कहेंगे जैसे ओरमा ने बड़ी अच्छी की आप ये नहीं कहेंगे अल्लाह खाल शर ये कहेंगे अल्लाह खालख वुल्ली शाह अल्लाह शर का खालिक है ये नहीं बोलेंगे आप करेंगे अल्लाह हर चीज़ का खालिक है तो इस तरीके से ूमियत के तौर पर बताया गया इरादा अल्लाह ने किया ऐसा नहीं कहा गया और वहां भी देखिए उरीदा कहा गया आराध कहा गया तो यह बड़ा अच्छा एक तरीके से ने बयान किया है मालूम होना चाहिए तकदीर पर ईमान वाजिब है और तकदीर पर ईमान लाने के मरातब हैं चार जिसको मरातबल ईमान बिलकदर उलमा ने कहा तकदीर पर ईमान लाने के मरातब मरातब बोलेंगे आप स्टेजेस बोलिए या स्टेप्स बोलिए जो भी स्टेजेस जब तक चार चीजों पर ईमान नहीं होगा तकदीर पर हमारा ईमान सही नहीं होगा नंबर एक अल अल ईमान अल्लाह तला पहले ही से हर चीज को तफसीली तौर पर जानता है नंबर दो अल्मानबत ही सुबह तमाम चीजों की तकदीरों को अल्लाहल ने लिखा दिया है कलम से तो हर चीज लिखी हुई अभी पढ़ा ना मैं हमारे पास जो है मा के तब अल्लाह जो अल्लाह ने लिखा अल्लाह ने कलम से कहा लिख कलम ने कहा क्या लिखूं अल्लाह ने कहा कायना क्यामत तक जो कुछ होने वाला है लिख तो हदीस में कसा तो उस घड़ी जब अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया ना तो उस वक्त सारी चीजें जो क्या तक होने वाली है लिख दी गई ट्वेंटी ट्वेंटी का कोरोना यह सब भी लिखा हुआ मैंने अब्दुलबीन अब्बास रजी अल्लाह तआला तला दर्ज दे रहे थे तकदीर का शागिर जो है ठुड्डी को हाथ लगा के बैठे हुए थे गाल को अपनी ठुड्डी पर अपनी हथेली को रखकर जैसे बैठने की एक शक्ल सूरत होती है ना तो हजरत बिन अब्बा, अब्बास ने फरमाया तुम जो ऐसे बैठे हो ना ये हाथ लगा के गाल को अपनी ठुड्डी को ये भी लिखा हुआ है साहबियात की दलीलें हैं हजी से मौजूद है, है हरकत सकनात लिखे हुए हैं तो पहला मरतबा अल्लाह के इम अजली पर ईमान नंबर दो अल्लाह के लिखवाने पर नंबर तीन अल्लाह की मशीयत अमूमियत मशीयत की अमूमियत जो अल्लाह चाहता है वही होता है पूरी दुनिया में जो जितनी चीजें हो रही हैं एवरीथिंग छोटी बड़ी अल्लाह जो चाह रहा है वही हो रहा है नंबर चार अल्लाह हर चीज का खालक है और हर चीज पर कुदरत रखता है तो यह इल्म किताबत मशीत تخلق, इल्म अल्लाह का हर चीज को घेरे हुए पहले इससे मालूम हो जाता है अल्लाह को कि क्या होने वाला है दुनिया में शुरू ही से जानता है नंबर दो लिखा दिया अल्लाह ने हर चीज को मुकद्दर तकदीर जिसको कहते हैं किताबत इन्ना कुल्ला शन खलक ना हो बे कदर किताबत में बहुत सारी जलील है जैसे हमने आयत भी पढ़ी कहता अल्लाह ने लिखा है मुसीबत मुसीबत होगी नंबर तीन मशीयत मशियत, मशियत चाहना अल्लाह जो चाहता है वही होता है तुम जो चाहते हो वो नहीं होता अल्लाह जो चाहता है वही होता है कायनात में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मशियत के तहत है नंबर चार तखलीक अल्लाह का पैदा करना अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है बहुत सारी इसकी दलीलें कुरान में मौजूद हैं जैसे अल्लाह के अल्लाह ने फरमाया अभी के नाम के जिसमें सब अल्लाह के पास गैब की चाबियां अल्लाह जो अल्लाह ही को मालूम है वो गैब की सारी चीजें और बर और बहर में खुशकी में समंदरों में जो कुछ हो रहा है अल्लाह जानता है कोई पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह उसको जानता है या कोई दाना जो है जमीन के अंधेरे में है जमीन के अंदर जो आ, अं, दाना होता है जो बाहर वालों को नहीं मालूम होता है जमीन पर जो रहते हैं अल्लाह ताला उसको जानता है हर चीज जो है तर चीज सूखी चीज हर चीज को अल्लाह ताला जानता है दूसरा मरतबा के लिखवा दिया अल्लाह ने इस सिलसिले में भी आयतें हैं जिससे मौजूद है सूरह अंबिया की एक आयत है फरमात हमने जबूर में लिखा था देखिए आसमानी किताब है हमने उसमें लिखा لک, के जिक्र के बाद जमीन की विरासत नेक लोगों के पास होगी नेक लोगों को अल्लाह जमीन का बारिश बनाएगा और मशहूर हदीज़ भी है खतब अल्लाह मकला आसमान और जमीन के पैदाश से पचास हजार साल पहले तकदीरों को लिख दिया था ठीक है और एक हदीस है कान الماء وكتب व कान كل شيء सब सही हदीस है अल्लाह ही था पहले उससे पहले कोई चीज नहीं थी अल्लाह का अर्श पानी पर है और अल्लाह ने जिक्र में रो तो महफूज ने हर चीज को लिख दिया है सूरह कमर की आयत है वह صغير وكبير मुस्तर ये सब है। तो ये जो अल्लाह ताला ने अभी जिसकी तकदीर की हम बात कर रहे हैं ना ये आम तकदीर है जिसके लिए मरातब चार हैं अल्लाह के इल्म पर ईमान अल्लाह की किताबत लिखवाने पर ईमान अल्लाह जो चाहता है वही होता है इस पर ईमान और अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया इस पर ईमान ये आम तकदीर है ठीक है जिसके बात करें जो लोहे महफूज में, में लिखी हुई है इसके अलावा भी तकदीरें होती है जैसे तकदीर नंबर दो दूसरी किस्म की इंसान इंसान से उसकी तकदीर से जो है इंसान की पैदाइश से उसका ताल्लुक होता है जैसे कि हदीश में आया जब इंसान से होता है आदम अलैहिस्सलाम दूसरी तकदीर के बारे में कहते हैं दूसरी तकदीर वो है जिसका आदम था था और उनकी औलाद से उसका ताल्लुक है खास जैसा कि हदीस में है ना मूसा और आदम की बहस हुई दोनों की किसकी आदम की और मूसा की उसमें है हलवजफी तौरात वाशा आदम और अब्बाह उसमें अलैहिस्सलाम ने मूसा से कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप वो फल खा लिए हम लोग निकल गए आप निकले तो आपकी जरूरियत में हम भी आ गए सब आप फल नहीं खाते दरख्त तो हम जन्नत में रहते थे ये बहस हुई थी दो नबियों में तो मुसा आदमी ने मुसा को जवाब में कहा था क्या तुमने तौरात में ये नहीं पढ़ा वो ऐसा आदम और फगावा आदम ने अपने रब की नाफरमानी की उन्होंने तो कहा कि हाँ मैंने पढ़ा तो आदम ने कहा अफलूम अफतलूमी अफतलू मुनी अ

तो इस तरीके से कामयाब हो गए आदम आदम्लाम उम पर इन्हें उनको जवाब दे दिए खलास तो ये एक तकदीर है जो आदम आदमी और उनकी औलाद के बारे में लिखी एक तीसरी तकदीर उलमा कहते हैं जो हर इंसान से उसका ताल्लुक है जो इंसान की खास तकदीर होती है स्पेशली मेरी अलग है आपकी अलग है हामिद भाई की अलग है हामिद साहब की अलग है मशरूद की अलग है अब्दुल्ला की अलग है अब्दरहन की अलग है खान साहब की अलग है समझ में आ रहा है ना फातिमा की अलग है आयशा की अलग है मोहसिना की अलग है जैनब की अलग है सबकी अलग अलग होती है खास तकदीर ठीक है तो ये कैसे है अल्लाह के नबी सदी में, में फरमाया ना जब जो है बच्चा जो है माँ के पेट में चा, क्या चालीस चा, चार महीने का होता है चार महीने का जब होता है एक सौ बीस दिन का तो अल्लाह तारा फरिश्तों को भेजता है लिखने के लिए तो ये खास हर पर्सन हर इंसान से मर्द हो या औरत लड़का हो या लड़की उससे जो है इस तकदीर का खास तल्ल है एक चौथी तकदीर होती है जो इयरली तकदीर होती है और वो लैलतुल कद्र में होती है जैसा कि अल्लाह ने फरमाया सूरह दुखान में इन्ना अनसू फी लतुल मुबारक इन्ना कुन्ना फरको कुल्ल अमरी हकीम जो पढ़ा था हमने क्या है इस आयत का तर्जमा बेशक हमने मुबारक बरकत वाली रात में इस कुरान को उतारा है और यकीनन हम डराने वाले हैं और इस बरकत वाली रात में जो कद्र है ठीक है हर हिकमत वाला मामला तय पाता है और उलमा कहते हैं लैलतुल कद्र का एक वजह कद्र क्यों कहा गया क्योंकि तकदीरें लिखी गई हैं उसमें साल भर की वो भी एक माना बयान किया तकद कदर तकदीर है ना अल ईमान बिल बिलयम कदर कहते हैं ना लैलतुल कद्र शब कदर उर्दू में कदर अलग है ठीक है लेकिन कदर को नाम इसलिए उसका लैलतुल कद्र पड़ा क्योंकि अरबी में कदर तकदीर को कहते हैं और चूंकि साल भर की तकदीरें उस दिन लिख दी जाती हैं कि साल भर क्या क्या होने वाला है रिस्क के मामले सेहत बीमारियां जिंदगी मौत तमाम हकीमाना उमूर अल्लाह के हुक्म से तय पाते हैं शब कदर को जिसकी तलाश में आज हमें सत्ताईसवीं शब्द चल रही है ये।, ये पूरी दस रातों को तलाश करना है शब कदर को इसी जिसमें जो है साल भर की तकदीरें लिखती है लिखी जाती हैं साल भर की तकदीरें तय पाती हैं और जबल्लाम फरिश्ते वो अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं वो लेकर तकदीरें साल भर की सूर्य कदर में बताया गया ना। है अमरिनकी बात है, है। लिहाजा इंसान दस रातों को जागे इबादत करे दुआएं करे तो वो शब कदम उसको मिल जाएगी या पांच रातें जिसमें से तीसरी रात है जो ताक रातें होती हैं सताइसवी शब है तो ऐसी सूरत में रातों में भी जागेगा तो वो शब कदम उसको मिल जाएगी उसके बाद जो तीसरा मरतबा है ईमान तकदीर पर ईमान लाने के लिए वो अल्लाह की मशियत कामिला पर है यह मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है लिहाजा हम अल्लाह की मशीयत पर ईमान लाएं लेकिन हमें नहीं मालूम जब जब तक कि कोई चीज जाहिर ना हो जाए तो अल्लाह की मशियत कामिला पर हमारा ईमान यकीन होना चाहिए और आखिरी चीज यह है कि अल्लाह तला ने हर चीज को पैदा किया है लिहाजा हम इस पर ईमान लाएं ये तकदीर पर ईमान लाना बहुत अहम तरीन मसला है तो जो कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में वह सब मुकदर है अल्लाह के सिलसिले में हदीफ है माँ असाबकुल्तानी ने सही करार दियाको सही रिवायत है ये तकरीबन इबन माजा की रवायत है माँ असाबकुलुख्त यक वा अख्ताक जो तुम्हे हुआ है वो तुमसे छूट कर जाने वाला नहीं था और जो चीज नहीं हुई है वो तुम उसको मिलने वाली भी नहीं थी हासिल होने वाली भी नहीं थी तो जो हुआ है वो होना ही था जो नहीं हुआ है वो नहीं होना था तो तकदीर पर इस तरीके से ईमान इंसान को होना चाहिए जब तकदीर पर ईमान होता है तो इंसान को सुकून मिलता है राहत होती है परेशान नहीं होता है वो और वो अगर मगर वाली बातें नहीं करता है जैसा क्या है ना हदीस में बड़ी प्यारी हदीस है देखिए एक पहरिस अलाम फाउक वस्त बिल्ला तुम कोशिश करो और में क्या फरमा रहे सुनिए गौर से हदीत को तुम कोशिश करो कि जिससे फायदा हो वो काम तुम करो चाहे वो दीन का हो या दुनिया का हो दीन का क्या काम हम करेंगे तो फायदा होगा अमल करेंगे कुरान पढ़ेंगे तोबा करेंगे नमाज पढ़ेंगे दुआएं करेंगे खैर के काम करेंगे तो फायदा होगा कीजिए दुनिया का कौन सा काम करने से फायदा होगा आपको तो कीजिए वो काम कोरोना वायरस लोगों से फैल रहा है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें इससे आपको फायदा होगा इस बीमारी से बच जाएंगे चलो भाई फायदा आप कीजिए सलाम फा। फायदा होगा इससे हाथ धो लीजिए से साफ रखिए अपने आप को घर को साफ रखिए फायदे में रहेंगे आप पैसा कमाइए और रखिए पूरा खर्च भी मत कर दीजिए और पूरे बखेल भी मत बन जाइए जैसा कहिए कुरान की एक आयत है पूरे खर्च कर दिए आए दस हजार रियाल पूरे चलो 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 हाथ के खुले जिसको बोलते हैं तो कल आपके पास पैसा नहीं होगा और अगर आप बखील भी बन गए वो भी गलत है तो आप पैसा रखिए कुछ कल को हालात ऐसे हो जाए कि आपको जरूरत पड़े फाइनेंशियल तो आपको वो पैसा यूज करने में आसानी होगी हर वो चीज जिससे फायदा होता है कीजिए और कमजोर मत बनिए और अल्लाह से मदद मांगिए देखिए हदीस बड़ी प्यारी है वो सुनिए जो तकदीर से रिलेटेड है ठीक है अल्लाह के नबीम फरमाते हैं हर वो चीज इससे तुम्हें फायदा होगा करो कोशिश आज इस कमजोर मत होना कमजोरी।, कमजोरी नहीं मेहनत करो जिसमें फायदा होता है अल्लाह से मदद मांगो अल्लाह की मदद नहीं होगी तुम्हें फायदा भी नहीं होगा और आपने कोशिश की अल्लाह से मदद भी मांगी सुस्ती काहली भी नहीं की अगर मुसीबत आ गई जो कि तकदीर में है परेशानी आ गई जॉब चले गई नौकरी चले गई पैसे फंस गए बीमारी आ गई वगैरह ये मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता मगर अगर मगर वाले अल्फाज ना कहो बल्कि ये कहो कदर अल्लाह अफाल अल्लाह ने मुकदर किया और अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ बस आप जो कर सकते थे किया ना आपने बस आप हाथ हाँ, 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 पर हाथ धर के बैठे नहीं बैठे मेहनत तो की आपने अब मुकदर में जो है उसका फल मिले ना मिले लेकिन आपने तो कर दिया अपना काम जो इंसान कर सकता है बाकी अल्लाह जिसको कहते तकदीर फायदा है तो होगा नहीं है तो नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी चीज है दिल को सुकून मिलता है इससे तकदीर से, से। क्योंकि मेरे रब का फैसला है मैं राजी हूं तो पैगम्बरों की जिंदगी में नहीं है आजमाइश अल्लाह को राजी करना है एक है एक हदीस अल्लाह के उसमें फरमाते हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है तो वो देखता है फिर बंदा राजी है अल्लाह के फैसले से या नाराज है जो बंदे अल्लाह के फैसले से जो अल्लाह ने फैसला किया आपके बारे में मेरे बारे में ठीक है या

अपने रब पर तवक्कल करता है जो यहां इस आयत में जबरदस्त बात बताई गई देखिए क्या है उल बना हैना का मऊलाना वो हमारा मौला है हमें वही होगा जो हमारे रब ने हमारे लिए लिखा है वो हमारा मौला अल्ला है अल्लाह मौला है अब अल्लाह पर तोल करो जी जब ये तकदीर है मुकद्दर है तो अब आपको इस तकदीर पर तोल होना चाहिए तकदीर बनाने वाले पर अल्लाह ताला पर और तवक्ल यह है कि इस्बाब अपनाएंगे आप इस्बाब छोड़ना नहीं है अल्लाह के नबी सरमायावक्ल करो वैसे जैसे तवक्ल का हक है तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रोज़ी देगा जैसे परिंदों को देता है खाली पेट निकलते हैं शिकम शेर पेट भरकर शाम तक वापिस आते हैं इंसान मेहनत करे कोशिश करे अल्लाह की जोक्ल करे तो अल्लाह काफी है परेशान नहीं होना लोग आजकल जो है इन हालात में मैंने इसलिए इसका इंतख्या किया कोरोना के बाद क्या परेशान हो रहा है अरे भाई क्या है जो मुखदर है वही होगा भाई परेशान क्यों हो रहे हैं आप अरे ये क्या भाई रमजान रमजान ईद भी घर में जी ईद भी घर में मुखदर है क्या है परेशानी आप ईद में ईद नहीं होती घर में मैं एक क्लिप बनाऊंगा इन आज रात में घर में ईद कैसी मनाई जाए घर में ईद कैसी हो या कैसी मनाई जाए और जकतुल्फित्र में कौन सा चावल दिया जाए दो दो क्लिप्स आज तैयार होने वाले रात में नंबर तीसरी क्लिप हामिद भाई को भी मालूम होना चाहिए वही फैलाते हैं घर में ईद कैसी मनाई जाए एक और जकतुल में कौन सा चावल दें क्योंकि चावल पे भी जरा बोलना है थोड़ा सा। और नंबर तीन जो है क्या चावल के अलावा दीगर चीजें फितर में दी जा सकती हैं जैसे अनाज की चीजें होती है तीनों क्लिप बन रहे हैं बताने तो लोग परेशान हो रहे हैं अरे सैलरियां कट जा रहे हैं नौकरियां चले जा रहे हैं दुकानें और इकोनॉमिक पूरी बढ़ जा रही है डर और खौफ का आलम राइट आप फितरी डर एक अलग चीज है लेकिन तव... ऐसा डर जो आपको के खिलाफ लेके जा रहा है क्या है भाई भैया नबीम की हदीस मत भूलिए आप हमारी जिंदगी में जितनी रोजी हमें लिखी हुई है ना वो मिलने वाली है हमें उससे पहले मौत नहीं आएगी भाई डोंट वरी परेशान मत हो जितना लिखना है यासिर खान असदुल्ला खान आमिर खान हामिद साहब की जिंदगी में वो लिखा है वो रोजी हमें मिलेगी फिर जाएंगे दुनिया से हम फिक्र किस बात की फिर हालात बदलता नहीं है कि अल्लाह ताला यकीन, एक है। सबर करें तक एक आजमाइश है सब्र करें अल्लाह के फैसले से राजी हो अल्लाह को राजी करने के हमारे काम क्या जो अल्लाह को जो करना है वो तो कर रहा है ना भाई वो तो करेगा शान मुझे और आपको क्या करना है वो करो ना हम खत्म रात का अंधेरा हमेशा नहीं होता है सुबह का उजाला आता है कई वायरस आए चले गए हम क्या करके जा रहे रमजान भी जा रहा है खलास खत्म होने को है मैं और आप क्या कर रहे हैं ताकरातों में और इस रमज़ान के अयाम में अल्लाह से डरें अल्लाह से डरें अल्लाह से डरें अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है राजिक है खालिक है तकदीर उसी ने बनाई है उसी के हाथ में सब कुछ है दुआ से तकदीर बदलती है क्या लोग पूछते हैं बता कर खत्म कर दो बात इंसान की जिंदगी में एक चीज लिखी हुई है वो चीज होते रहती है दुआ जो करता इंसान वो भी मुकदर है ना भैया ऐसा होगा उसके साथ जैसे बीमार रहेगा दुआ करेगा खूब बीमार रहेगा दुआ करेगा फिर दुआ के बाद क्या होगा अल्लाह ताला जो है उसको सेहत दे देगा तो इसका ये मतलब है वैसा नहीं कि पहले से मुकद्दर नहीं थी दुआ ने बदल दी तकदीर ऐसी बात नहीं होती अल्लाह ताला मुझे रात को समझिए अल्लाह परेशानियों को मुसीबतों को दूर फरमा दे अल्लाह ताला जो है हमसे राजी हो जाए और शब कदर की जो तलाश है लैलतुल की उसको पाने वाला हम सबको बना दे आमीन रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम व व बरकातहू